2400 साल पहले भारतवर्ष की इसी धरती से चाणक्य ने घोषणा की कि जो राष्ट्र अपना शास्त्र पढ़ना भूल जाता है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन क्यों कहा था चाणक्य ने ऐसा और क्यों जरूरी है कागजों में छिपे अतीत को जानने की? तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लॉक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। क्योंकि अतीत को जाने बिना भविष्य निर्माण की कोई संभावना है ही नहीं। जो देश अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल स्वतः समाप्त हो जाता। पिछले कुछ सदियों से हमने अपने इतिहास के जमीने लावारिस छोड़ रखी है। हम ना उनकी ओर देखते, ना जाते और ना ही उसकी परवाह करते। हमारे बाप दादा के जमीनों में कौन से फसल बोए जा रहा है और वो कौन फसल बो रहा, किस नियत से बो रहा या फिर किस बदनीयति से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी उपेक्षा कुछ शैतानी ताकतों के लिए मुंह मांगी मुराद तो नहीं बन गई, और उन्होंने गौतम और नानक के इस धरा पर कलंक के बीज तो नहीं बो दिए? बिल्कुल यही हुआ है। तभी तो हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी बुक्स में ग से गणेश हटाकर ग से गधा लिख दिया गया और हमको फर्क तक नहीं पड़ा। हमारे घरों तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं और बाबर जैसे डकैतों के नाम पर रख दिए गए, और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। अचानक नैरेटिव ही बदल दिया गया। आदर्श राज्य कैसा होता है, जैसा अकबर का था। अच्छा, तो राम राज्य क्या था? वो आदर्श नहीं था? और अकबर के राज में हजारों किसानों को जजिया न देने के लिए फांसी पर टांग दिया गया, क्या वो आदर्श राज्य में होता है? यह तो हमें ढोल बजाकर बताया गया कि अकबर ने जजिया को माफ कर दिया था, लेकिन माफी से पहले जजिया का खूनी इतिहास नहीं पढ़ाया गया, और उसी अकबर ने वापस गैर मुस्लिमों पर जजिया लाद दिया यह भी नहीं बताया गया। चित्तौड़गढ़ में 30,000 नागरिकों को जिहाद के नाम पर काट देने वाला आदर्श राज्य था। आगरा किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला अकबर जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई, वो कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? मुझे अफसोस है कि कुछ मुस्लिम भाई मुगलों और तुर्कों की तरफ उठने वाली उंगलियों को इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगलियां मान लेते और उसके खिलाफ हो जाते। आप अकबर के वंशज नहीं हैं, आपके पूर्वज वही हैं जो हिंदुओं के हैं। आपका इतिहास वही है जो हिंदुओं का है। और अकबर ने तो इस्लाम को जड़ से मिटाने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखी। पढ़िए इतिहास, समझिए दीन ए इलाही को, आप जान जाएंगे कि अगर अकबर का बस चलता तो इस्लाम का नामो निशान तक मिटा देता। अपने नायक और खलनायक अपने जात पात से ऊपर उठकर चुनिए जो इस देश की महान परंपरा है। रावण कौन था? एक ब्राह्मण जो सीधे भगवान ब्रह्मा के वंश में जन्मा था। लेकिन आपने किसी ब्राह्मण को रावण की स्तुति करते देखा है? हम सिर्फ रावण को इसलिए हीरो बना दे कि वो हमारी जाति में था? नहीं भाई, सनातन की सोच इतनी छोटी नहीं। रावण खलनायक था और रहती दुनिया तक दशहरे पर हम उसका पुतला फूंकते रहेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं। और हम ही नहीं बल्कि हर जागा हुआ समाज यही करता है, अपने नायक और खलनायक बड़ी सावधानी से चुनता। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका जिसे आजकल हम शांति प्रिय कौम के नाम से जानते हैं, वो महमूद गजनवी को अपना हीरो मानती है। वो लुटेरा अफगानिस्तान के एक छोटे से गांव गजनी से आया और भारत पर बेतहाशा जुर्म ढाए। सोमनाथ का पवित्र मंदिर हमारी आंखों के सामने लूटा और हम खड़े खड़े देखते रह गए। तो होना तो यह चाहिए था कि अफगानिस्तान गजनी को सूरवीर मानता, लेकिन सच यह है कि अफगानिस्तान के इतिहास में इसकी कोई जगह ही नहीं, उसका जिक्र तक बड़ी मुश्किल से मिलता है। अफगानिस्तान के मुसलमानों ने हिंदुओं का मंदिर लूटने वाले इस लुटेरे को अपने इतिहास के जायदाद से ही बेदखल कर दिया, और दूसरी तरफ इतिहास में जगह किसको दी? कनिष्क को, जो कि कुश डायनेस्टी में जन्मा भारतवर्ष का एक महान राजा था। अफगानिस्तान ने अपनी पूजा पद्धति बदली, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं। वो भारत के पूर्वजों को आज भी अपना पूर्वज मानते, और इससे यह सिद्ध होता है कि धर्मांतरण के साथ राष्ट्रांतरण होना जरूरी नहीं। एक और इस्लामिक देश है इंडोनेशिया, जहां 87% मुस्लिम है,
लेकिन वहाँ रामलीला ऐसे धूमधाम से मनाई जाती कि देखने वाले देखते रह जाए। इंडोनेशियंस भी राम को अपना पूर्वज मानते, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घरों में रामचरित्र मानस की जगह कुरान रखा है। धर्म अलग है तो क्या, पूर्वज तो एक है। जब यह बात जिस दिन मेरे मुस्लिम भाइयों को समझ में आ गई, उस दिन हिंदू मुस्लिम एकता के झूठे और राजनीतिक से लिपटे नारे गायब हो जाएंगे और सचमुच मन के धरातल पर, आत्मा के धरातल पर हम एक हो जाएंगे। वापस लौटते हैं उस बात पर जो मुझे बहुत चुभ रही और आपको भी चुभनी चाहिए। हमें चीख चीख कर बताया गया कि मुगल अंग्रेजों की तरह लुटेरे नहीं थे। वो हिंदुस्तान की दौलत लेकर कहीं सात समंदर पार करके दूसरे मुल्क नहीं गए, वो यहीं रह गए। तो ठीक है भाई, मैं आपके घर पर अटैक करता हूँ और कुछ भी लूट कर अपने घर नहीं ले जाऊंगा, बल्कि आपके ही घर में कब्जा करके रह जाऊंगा और आपको और आपके परिवार को, जो कल तक उस मकान के मालिक थे, अपना गुलाम बना लूंगा। आप मुझे अपना हीरो मानोगे? नहीं ना, तो फिर मुगलों को क्यों हीरो मानते और क्यों ऐसे जाहिलियत भरी दलीलों को पेश करते? एक और जाहिलियत भरी दलील पेश की जाती है कि मुगलों के दौर में 200 सालों तक कोई सिविल वार नहीं हुआ, इतनी शांति प्रियता बनी रही। लेकिन यह किसी ने नहीं बताया कि ग्वालियर के किले में मुगलों के खिलाफ उठने वाली आंखों में जलता हुआ सरिया घोप दिया जाता था। तो बगावत करने की हिम्मत कौन करता? और ग्वालियर कोई अकेला किला नहीं, बल्कि मुगलों के शासन में ऐसे हजारों कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे जो हिटलर के भी कैंप्स को शर्मिंदा कर दें। जिन आतताइयों ने तख्त को रिश्तों, नातों, मर्यादाओं और वसूलों से ऊपर रखा, हुकूमत के नशे में अपने बाप को काल कोठरी में ठूस दिया, अपने ही भाइयों की गर्दनें उतार ली। अगर उनके राज में शांति बनी रही तो ठीक वैसे ही थी जैसे सद्दाम हुसैन ने इराक में बनाकर रखी थी। ये मुगल और तो कहीं भारतीय संस्कृति से प्रभावित नहीं हुए, लेकिन इन्होंने बाबा तुलसी के एक चौपाई का अनर्थ जरूर कर दिया। भय बिन होए न प्रीत, डर के बिना शासन नहीं चलता। लेकिन वो ये भूल गए कि भगवान राम किन परिस्थितियों में डर का सहारा लिया था, जब समुद्र से हजारों विनतियों के बावजूद उन्हें लंका जाने के लिए अपने प्राण प्रिय सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था, तब भगवान राम विवश हो गए बल प्रयोग के लिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम ने साम्राज्य के विस्तार के लिए कभी भय का सहारा नहीं लिया। राम राज्य में रहने वाले लोगों के लिए राम की घोषणा क्या थी आप जानते हैं? राम राज्य वासी त्वम प्रोचरस्वते शिरम न्यायार्थम युद्धश्व सर्वे सुसमकर परिपालय दुर्लभम विधि धर्मम वरम प्रोचरस्वते शिरम राम राज्य वासी त्वम। You living Ram's kingdom, hold your head high, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all. सर उठाकर जियो, निर्भय जियो, ये राम राज्य है। ऐसे राज्य की तुलना अकबरी कुशासन से हंसी आती है। भगवान राम को लेकर एक बात हमेशा सुर्खियों में रहती है, सीता परित्याग, जो हमारे राम ने कभी किया ही नहीं, जिसका पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। सदियों से हम इस बात को लेकर खुशी होते रहे कि शेरशाह सूरी ने दुनिया की सबसे लंबी सड़क बनवा दी। लेकिन भगवान राम ने समुद्र पर यानी पानी पर पुल बना दिया, इसके लिए हम सैटेलाइट इमेजेस मांगते हैं, वरना हम विश्वास नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हारा। इस बात को सिद्ध करने के लिए उस महान मेवाड़ी आत्मा को 400 साल लग गए। उस दिन हल्दी घाटी में वो राजपूत कुलद्रोही मान सिंह तो महाराणा को नहीं हरा सका, लेकिन हमारे अविश्वास ने उन्हें जरूर हरा दिया। और महाराणा कोई अकेले नहीं, पता नहीं अपने कितने वीरों को गुमनामी के अंधी सुरंगों में एड़िया रगड़कर
मर जाने दिया और उन नल्लों को झुककर सलाम बजाते रहे जिनके दुष्कर्मों से आज भी भारत माँ खून के आंसू रो रही। अब वक्त आ गया है कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जयचंद्र के नाम पर हम थूकते हैं, लेकिन एक पल ठहर कर सोचिए, कहीं जाने अनजाने में हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता के जयचंद्र तो नहीं बन रहे, उससे छल तो नहीं कर रहे। आज मेरी बातों में आपको क्रोध और कड़वाहट नजर आई होगी, लेकिन मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं। मेरा यह क्रोध करंट बनकर आपको नींद से जगा दे तो मैं इसका आभारी रहूंगा। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।